सरकार किस प्रकार से सोचती है, और जिस प्रदेश की अगर मुख्यमंत्री इस प्रकार के वक्त वो भी कहाँ दे रहे हैं, विधानसभा में दे रहे, तो आप सोच सकते हो। और उसके बाद जब अपराधी को पकड़ना और जब छोड़ करके मामले को कैसे डाइल्यूट किया जाता है, कैसे उसको मुद्दों से भटकाने की कोशिश किया जाता है, तो उसका जीता जगता उदाहरण तो आप सब लोगों ने यहाँ किशोरगढ़ में देखा। जब लोग विरोध प्रकट करते हैं, जब सरकार नाकामी हो जाती है, सरकार अगर अपने काम में सफल नहीं होते, विफल होते हैं, जनता को सरकार के ऊपर भरोसा जब नहीं होता है, तो जनता सड़क पर उतरती है। और सड़क पर भी क्या उतरे थे, कोई लाठी डंडे लेकर के लोग नहीं उतरे थे, पत्थर लेकर के नहीं उतरे थे, गोला बारूद लेकर के नहीं उतरे थे, लोग तो इस मांग को लेकर के उतरे थे कि जो हर मांझे में जो घटनाएं हुई है, जो पूरे प्रदेश में लगातार प्रत्येक दिन माँ बहनों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है, हत्याएं हो रही है, उसको न्याय मिलने चाहिए। लेकिन वो न्याय तो दे नहीं पा रहे हैं, बल्कि उन्होंने हंगामा खड़ा करके और ऐसा लगाया कि मुख्यमंत्री कहते हैं किसी को छोड़ेंगे नहीं, राज्य के पुलिस लोग कहते हैं, प्रशासन कह रही है कि हत्या की एक साजिश थी। इससे बड़ी और दुर्भाग्य और निकम्म में क्या हो सकता है। इसलिए मैं इस कह रहा हूं कि आज जो इस प्रदेश में और उसके बाद राज्य के जो पुलिस कप्तान कहते हैं कि आयरन हैंड से उसको कुचलते, भाई कुचलना तो किनको चाहिए था, अपराधियों को कुचलना चाहिए ताकि कोई अपराध करने की दोबारा कोई हिम्मत नहीं कर सके। लेकिन आज उन अपराधियों को सरकार कुचलती नहीं है, उनको पकड़ती नहीं है, बल्कि उनको तो प्रोस्क्रिप्ट करती है, और इसका परिणाम होता है लगातार राज्य में अपराध बढ़ रहा है। राज्य में आज बहुत बेटियां सुरक्षित नहीं है, सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए थी कि राज्य में कैसे सुरक्षित होंगी हमारी बहु बेटी, राज्य में कैसे कानून के राज स्थापित होगा, उसके बारे में उसको कोई चिंता नहीं। इसलिए आज इस प्रदेश के अंदर में हालत ही कितनी खराब है, क्या इस लॉकडाउन के कोरोना के काल में जहां देश में अपराधों में कमी आई थी, लेकिन झारखंड में अपराध में लगातार बढ़ती जा रही है, कहीं रोकने का कोई नाम नहीं ले रहा है, थामने का नाम नहीं ले रहा है। और मैं तो बार बार कहता हूं, सरकार का अगर पहली कोई ड्यूटी है, पहला कोई कर्तव्य है, कानून की राज स्थापित करना, राज्य में अमन चैन हो, राज्य में हमारी माँ बहने हैं, बहु बेटियां हैं, वो सुरक्षित हो, अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, इस सरकार की पहला कर्तव्य और पहला ड्यूटी है। लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि पहले ड्यूटी में ही सरकार पूरी तरह से फेलियर, आज इस पर से पूरी तरह से सरकार फेलियर है प्रत्येक दिन। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, कभी कभी हमसे लोग बात करते हैं, पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसका एक कारण, एकमात्र कारण ये है कि आज इस प्रदेश में जो पुलिस प्रशासन है वो सिर्फ सत्ता में बैठ करके, वो सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए या तो वो पैसे वसूली कर रहे हैं, या बदले की भावना से अपोजिशन को दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे, उससे अधिक वो कुछ नहीं कर रहे। और इसलिए आप लगातार देख रहे होंगे क्या हो रहा है इस प्रदेश में। मैंने कई एक दफे प्रत्येक दिन मैं इस बात को लोगों को कहता हूं कि अगर पूर्व में जो घटनाएं घटी उस पर अगर कार्रवाई हुई होती तो आज फिर इस प्रकार की घटना नहीं घटती। आप पूर्व में याद करो, मैं उन क्षेत्रों से ही मैं शुरू करता हूं जहां से मुख्यमंत्री विधायक होते हैं। थाना के कैंपस में एक बच्ची को पकड़ करके बाल से खींच करके थानेदार पीटते हैं और थानेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर पुलिस को क्या चिंता है, क्यों पुलिस किसी को पकड़, अगर उसी समय उस थानेदार के ऊपर कार्रवाई होती, उनके ऊपर एफआईआर होता और उनको जेल में डाल देते, तो आज मैं समझता हूं कि पूरे राज्य के थानेदार फिर आज अपराध को रोकने में लगे होते। लेकिन आज वो नहीं करते। दूसरी घटना उसी बार हेड विधानसभा क्षेत्र जहां से मुख्यमंत्री का क्षेत्र पड़ता है, रांगा थाना की है, वहां एक आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, लाश को फेंक दिया जाता है, उनके माँ बाप थाना पहुंचते हैं, थानेदार वहां से माँ बाप को भगा देते हैं और फिर गांव आकर के लाश को जगाड़ देते हैं,
और जब हम सबको पता चलता है, हम लोगों ने एसपी से बात करते हैं तो फिर वो लाश को निकाला जाता है, पोस्टमार्टम होता है। अगर उस समय उस थाने के थानेदार के ऊपर एफआईआर कार्रवाई होती तो झारखंड में सारे के सारे थानेदार अपराधियों को पकड़ने में लग जाते और फिर अपराध निश्चित रूप से कम होता। लेकिन आज तो उन लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है, उनको बचाने के काम किया जाता है। आपने किशोरगंज की घटना के बाद भी आपने देखा, हम तो घर में शाम को बैठे हुए थे उस दिन, दूसरे दिन जब घटना घटी उसके बाद, और थानेदार क्या बात कर रहे हैं जिन लोगों से मोबाइल में किस प्रकार से, रूपली जी से 50 को तो हमने मार दिया, अब एक को और मार देंगे तो 51 हो गए भैरव को, क्या बोल रहे हैं। और उस थानेदार के ऊपर तो एफआईआर होनी चाहिए था, उनको गिरफ्तार करनी चाहिए थी, लेकिन आज तक पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, पूरा अपराध कैसे रुकेगा। जहां इस प्रदेश में अगर ऐसे ऐसे थानेदार यानी गुंडे की भाषा बोलते हो तो फिर अपराध कैसे रुकेगा, तो गुंडा गर्दे ही पड़ेगी। और इसलिए आज इस प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। अब वो जिस ढंग से हो तो पूरे सोशल मीडिया में वायरल हुआ, सारे लोगों ने सुना है, और उसके बाद भी किसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं, जो जनता की आवाज जो बंद करके जनता की आवाज को उठा रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, अब उनको हत्या करने की बात कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनके परिवारों को धमका रहे हैं। अब जो सोचिए कैसी कैसी इस प्रदेश में हालत हो रही है, आज पूरे प्रदेश की यही हालत है, रोज चोरी डकैती हत्या अपहरण, आए दिन आप देखते होंगे कैसे रिश्वत पैसे मांगे जा रहे हैं, किस प्रकार से आज आम लोग डरे हुए सहमे हुए। नहीं तो उन दिनों को जहां बहुत सारे लोगों को याद होगा कि जब 2000 के पहले सभा चिकट की हालत था, जब यार हम एक साथ रहते थे उस समय, तो शाम के समय रांची जैसे शहर में 8 बजे दुकानें मकाने बंद हो जाता था। हमें याद है काकी तरफ में एक डॉक्टर के हम मिलने गए थे एक बार, और अंदर हम लोग वैसे तुरंत दरवाजा बंद किया, पहले तो बड़ी मुश्किल से हम लोग खुलवाए, हमने कहा कि ऐसा क्या, बोला कि डर लगता है। उन दिनों को याद करता, उस समय हम देखते थे कई पलामू की तरफ शाम होती कोई गाड़ियां नहीं जाती थी, खोटी की तरफ गाड़ी नहीं जाती थी, चाय बस की ओर गाड़ी नहीं जाती थी, यानी ग्रामीण जो इलाका था बिल्कुल, और शहर में भी दहशत का माहौल था, भय का माहौल था, आतंक का माहौल था। अब तो धीरे धीरे लग रहा है कि उससे भी कहीं बदतर स्थिति में आज हम सब लोग पहुंच गए, और पूरे 1 वर्षों में यह हालत पैदा हुई इस राज्य में, क्योंकि आज सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं हेमंत सोरेन की सरकार है, उन्हें इस राज्य की चिंता नहीं, यहाँ की बहु बेटियों की चिंता नहीं, यहाँ की जनता की चिंता नहीं है, उनको तो सिर्फ चिंता है उनका तिजोरी कैसे भरे, उसी काम में ये सारे लोग लगे हुए। और किस प्रकार से चुन चुन करके लोगों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को परेशान करना, तंग करना, तबाह करना, यही पर जो लोगों के ऊपर केस था।